तिजारा में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की गला घोटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पापड़ा हरियाणा निवासी रफीक ने तिजारा थाने में मामला दर्ज कराया है कि मेरी बहन की शादी 2005 में बागोर गांव के सराजुद्दीन के साथ हुई थी। ससुराल पक्ष द्वारा आए दिन दहेज की मांग की जाती रही। इस दौरान 15 मार्च को हमें सूचना दी गई कि हमारी बहन मर चुकी है। वहीं घर पर मृतका के बच्चे तो मौजूद थे, लेकिन सास, ससुर और पति तीनों फरार पाए गए। इस संदर्भ में तिजारा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। थाना प्रभारी हेमराज सिंह बागोर गांव पहुंचे और घटना स्थल का मौका मुआयना किया और मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। सूचना मिली थी कि बागोर गांव में महिला की हत्या कर दी गई जी। उसके बीहर पक्ष वालों ने संबंध में मृतका का भाई रफी उसने एक रिपोर्ट दी जी कि मेरी बहन की शादी 2005 में हुई थी जी, और दहेज की मांग को लेके आज उसकी हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में रिपोर्ट पेश की है, इस पर अभियोग दर्ज किया है और मृतका के पोस्टमार्टम करवा के लाश को। जनाब, मेरी भतीजी बड़े भाई की बेटी नेमली बागोर में ब्याही थी, जिसको कल रात में गला दबाकर हत्या कर दी गई। और हत्या करने का कारण ये बना है कि इन लोगों की दहेज की मांग हमसे आज तक पूरी नहीं हुई, जिसके कारण ये लालची लोगों ने, अब ये मालूम नहीं कितने लोगों ने हत्या की है। हमको इन्होंने कल 2:30 बजे फ़ोन किया है कि तुम्हारी बेटी एक्सपायर हो गई। हमने आके बेटी को इस हालत में पाया कि हमारी बेटी के पास में वहाँ कोई नहीं था, छोटे छोटे मासूम बच्चे दिखा रखे थे और घर के मेन सदस्य सारे वहाँ से फरार।